नगर निगम शिमला ने सड़कों पर सजने वाली संडे मार्केट बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। यही नहीं, बाकायदा तहबाजारी इंस्पेक्टर की तैनाती कर कार्यवाही के लिए टीमें भी बना दी गई हैं। निगम के निर्देशों के बाद अब तहबाजारी और कारोबारी बाजारों की सड़कों पर रविवार को सामान नहीं बेच पाएंगे। नगर निगम प्रशासन के अनुसार शिमला व्यापार मंडल की मांग पर यह फैसला लिया गया है। इस बाबत व्यापार मंडल ने नगर निगम प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा था। इसी के चलते ही रविवार के दिन नगर निगम प्रशासन ने तहबाजारियों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए उन्हें वहां से हटाया और वहां पर दुकानें ना लगाने की बात कही। वही जानकारी देते हुए शिमला व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष ने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाली ये तहबाजारी बाजारों की सड़कों पर मनमर्जी से दुकानें सजा रहे थे, जिससे वहां के स्थानीय कारोबारी को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा था, जिसके चलते व्यापार मंडल ने नगर निगम प्रशासन को इस मामले में कार्यवाही करने का आग्रह किया था, जिसके चलते आज भी कार्यवाही की गई है। हमारे कारोबारियों की काफी समय से मांग आ रही थी कि हर संडे को बाहर से लोग आके यहाँ पे माल बेच रहे हैं और कोई टैक्स ना देके हमारे काम में फर्क डाल के चले जा रहे हैं और अवैध रूप से सड़कें घेर के बैठे हैं, जिसमें आम जन को भी दिक्कत आ रही थी। तो हमने व्यापार मंडल से कुछ समय पहले आग्रह किया था कि व्यापार मंडल संडे को नगर निगम सख्ती करे और बाहर के लोगों को और जो अवैध रूप से यहाँ पे आके कारोबार कर रहे हैं उस पर नकेल कसी जाए। उसी तर्ज पे आज ये नगर निगम ने अपनी कार्रवाई की है। जो भी उनका अवैध रूप से बाहर सामान लगा हुआ नजर आया उनको उसके पे कार्रवाई की है। आने वाले टाइम में हम और सख्ती करने ही जाएंगे, टैक्स वालों से भी बात करेंगे और अपना पुलिस प्रशासन से भी मांग करेंगे कि जो भी बाहर से लोग आके यहाँ पे काम कर रहे हैं उस पे नकेल कसी जाए। एक तो स्टेट को उससे कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा, दूसरा हमारे कारोबार बहुत प्रभावित हो रहा है। ऑनलाइन ने पहले ही हमारे कारोबार को खत्म किया हुआ है, ऊपर से ये संडे को बाहर से आके यहाँ लोग माल बेच के चले जाते हैं और पूरा हफ्ता हमारा यहाँ पे बाजार खाली रहते हैं। तो हम अपने कारोबारियों से भी मांग करेंगे कि किसी भी बाहर से लोग, जो भी लोग कारोबारी जो यहाँ से काम करने आ रहे हैं, उसको अपनी दुकान के आगे ना बैठने दिया जाए, ना साथ में बैठाया जाए। क्योंकि नगर निगम ने साफ स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर किसी की दुकान के बाहर वो बैठा मिलता है, दुकान खुली है, तो वो दुकानदार के ऊपर कार्रवाई होगी, उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी और साथ में जिन्होंने उनको शिकायत की उसके पे भी कार्रवाई होगी। तो हमारा यही आग्रह रहेगा अपने कारोबारी भाइयों से कि बाहर वाले लोगों को किसी को बाजार में ना माने, अगर कोई पाया जाता है तो हमारे को वो संपर्क करें, हम उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे।